व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से था कहाँ। जी हाँ, बिल्कुल 2.5 साल हो गए। आई एक्चुअली पोस्टेड माय लास्ट वीडियो इन नवंबर और मे बी इन अक्टूबर 2018। सो हाँ, तकरीबन 2.5 साल हो गए आई वॉज अवे फ्रॉम यूट्यूब। सो बेसिकली कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं बिजी था एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट टाइम टू मेक वीडियोज़। बट एनीवेज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेटल्ड नाउ। आई कांट प्रॉमिस बट आई डेफिनेटली ट्राई टू बी हियर ऑन रेगुलर बेसिस। और ये 2-2.5 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल गई है। हम सब ने देखा है, कोविड आ गया और काफ़ी चीज़ें गुजरी है हम सबकी लाइफ में। मैं भी पर्सनली मैं शिफ्ट हो गया हूँ मुजफ्फरनगर दिल्ली से। मैं पूरी स्टोरी बताऊँगा इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों शिफ्ट होना पड़ा। सो इन सब चीज़ों की वजह से बिजी था और टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट एनीवेज, अब मैं आ गया हूँ और काफ़ी सारी नई चीज़ें और बहुत सारे नए कंटेंट ऑलरेडी प्लान किया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। एक्चुअली मैं पिछले कुछ 1-2 महीने से कोशिश कर रहा था कि मैं वापस आऊँ और वीडियोज़ वगैरह डालना शुरू करूँ यूट्यूब पर। पर एनीवेज गाइस, आज का दिन स्पेशल है। मैंने कहा आज के दिन से स्टार्ट करते हैं। जब मेरे पास आ गया है DJI Mavic Mini और ये कॉम्बो बॉक्स है। काफ़ी स्पेशल दिन है मेरे लिए तो मैंने सोचा आज से ही शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो अनबॉक्सिंग किए और Mavic Mini के रिव्यूज़ देखे होंगे। सो मैं यहाँ कोई अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहता आप लोगों को। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था और आई गॉट दिस DJI Mavic Mini। काफ़ी छोटा सा और काफ़ी लाइट वेट ड्रोन है, 249 ग्राम्स का है, वो भी बैटरी के साथ। बैटरी निकालने के बाद ये बिल्कुल खिलौने जैसा लगता है। बच्चे के खेलने वाले खिलौने होते हैं ना, वो भी इससे भारी होते हैं और वो भी इससे बड़े होते हैं। बट आई एम श्योर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये आता है DJI की तरफ से एंड DJI इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस ड्रोन। वन मोर थिंग गाइस, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एज वेल रिगार्डिंग दिस ड्रोन और इन जनरल एनी ड्रोन्स। एंड दोज टिप्स विल बी मोस्टली फॉर बिगिनर्स, नॉट फॉर द प्रो लेवल फ्लायर्स और वेरी एडवांस लेवल फ्लायर्स, बिकॉज मैं खुद ही नया हूँ और मैं पहली बार कोई ड्रोन उड़ाऊँगा। सो मैं अपने टिप्स वगैरह डेफिनेटली शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्रोन लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, या हो सकता है ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली लिया होगा, तो हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे टिप्स वगैरह आपके काम आए। सो गाइस, अगर आप ड्रोन पहली बार उड़ा रहे हैं या अगर आप नए हैं तो इसके साथ जो यूज़र मैनुअल आता है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर क्लियर हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करूँगा इस ड्रोन के बारे में, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइस। हाँ, एक चीज़ बता दूं, अगर आप ड्रोन पहली बार उड़ा रहे हैं या फिर आप नए पायलट हैं तो कभी भी इंडोर्स या टाइट स्पेस में ड्रोन ना उड़ाएं। ओपन एरिया में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, प्लेग्राउंड में चले जाएं और ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे बहुत सारे लोग ना हो। सो गाइस, अब हम चलेंगे बाहर एंड विल ट्राई टू फाइंड सम ओपन स्पेस और कुछ प्लेग्राउंड वगैरह ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हम इसको टेक ऑफ करेंगे। सो लेट्स गो। सो आई हैव फाइनली फाउंड अ प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू फ्लाई दिस ड्रोन। काफ़ी ओपन स्पेस है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक प्रॉब्लम ज़रूर है, काफ़ी मिट्टी है यहाँ पे, तो मैं मिट्टी के ऊपर से अपने ड्रोन को टेक ऑफ और लैंड नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लैंड, आई एम गोइंग टू टेक ऑफ दिस ड्रोन फ्रॉम माई हैंड ओनली। सो DJI की इस चिड़िया को भेजते हैं हवा में और कोशिश करते हैं कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करने की।